वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि गरबा मेकअप लुक। प्लस आप इस लुक को दिवाली पे या कोई भी त्यौहार फंक्शन वगैरह में भी क्रिएट कर सकते हो। जस्ट जो बिंदी है वो आपको हटा लेनी है। तो गाइस मेकअप की शुरुआत ना मैं सबसे पहले अपना स्किन केयर करने से करती हूँ, क्योंकि स्किन केयर जब तक आपका हेल्दी नहीं होता, स्किन आपकी हेल्दी नहीं होती, तब तक आपके स्किन पे मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो मैं कोजारेक्स के यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने टोनर भी कोजारेक्स का लगाया है, सीरम भी कोजारेक्स का है, और ये मैं मॉइस्चराइजर भी कोजारेक्स ब्रांड का ही यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, और मेरी स्किन ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद गाइज आप देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और हेल्दी हो गई है। तो यार इसमें ना एक सनस्क्रीन ज़रूर ऐड कर लेना, जो कि यहाँ पे मेरा स्किप हो गया, और साथ में मेरी बैठी है आन्या, जो कि यहाँ पे जो भी मैं मेकअप आपको करके दिखा रही हूँ, जो स्टेप्स मैं कर रही हूँ वो रिपीट कर रही थी। एंड गाइज आप मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। बचा हुआ मॉइस्चराइजर मैंने अपने हाथों पे लगा लिया, और इसके बाद अब मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का प्राइमर लिया है। तो गाइस ये ना मेरी स्किन के जितने भी ओपन पोर्स है उनको कर देगा ब्लर आउट। करने के बाद मेरी स्किन हो जाएगी भाई हेल्दी। मतलब इसके बाद जो मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी वो बिल्कुल भी मेरी स्किन में नहीं जाने वाला, और उसके बाद मेरी स्किन हो जाएगी बिल्कुल परफेक्ट, लाइक मेकअप मेरा लॉन्ग लास्टिंग टिकेगा। यहाँ पे कलर करेक्ट ज़रूर कर लेना अगर आपको फेस पे कहीं पर भी पिगमेंटेशन मार्क्स लग रहे हैं। मुझे अपने माउथ के अराउंड जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा डार्क लगता है अकॉर्डिंग टू मेरे पूरे फेस और आइस के नीचे, तो यार ऑफकोर्स हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, तो उस एरिया में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से फिंगर टिप की हेल्प से ही आप ब्लेंड कर सकते हो, और आप देखोगे इसके बाद जब आप फाउंडेशन यूज़ करोगे ना गाइज, बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर आएगा, और बिल्कुल भी जो डार्क एरिया है वो दिखेगा ही नहीं। मिलानी का यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, कंसील प्लस ये फाउंडेशन कुछ इस तरीके का है। एंड यार मेरे सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। आफ्टर दैट आई हैव पैक का ये ब्रश, और इट्स अ फाउंडेशन ब्रश गाइज, लाइफ सेवर ब्रश है ये। मतलब इसको यूज़ करने के बाद इतनी लाइफ इजी हो गई है ना, बहुत मज़ेदार है ये। मक्खन की तरह आपके फाउंडेशन को ब्लेंड कर देगा, जो कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। और मेकअप में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके फेस पे आ जाएंगे पैची से निशान, जो कि फाउंडेशन जब आप परफेक्ट लगा रहे हो तो वो नहीं होने चाहिए। इसके बाद मैंने हुडा ब्यूटी का ये फाउंडेशन ले लिया है, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे ना ये फुल कवरेज मेकअप होने वाला है गाइस, जस्ट हल्का सा आपको यूज़ करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर शुगर पॉप का, जिससे मैं अपने फाउंडेशन को ना अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। बेसिकली इससे स्वेटिंग नहीं होगी अब आपको लगाने के बाद, और जो आपका फाउंडेशन है क्रीमी बेस होता है वो अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब इतना अच्छे से सेट हो जाएगा कि वो इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर, तो ये मेरे पास है सिवाना कलर्स का, एंड ये काफ़ी अच्छा है और बजट फ्रेंडली भी है। तो इस तरीके से ना हाइलाइटेड एरियाज पे मैं यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली इससे होगा हमारा फेस शार्प, और जो एजेस हैं वो काफ़ी अच्छे से क्रिएट हो जाएंगे, जिससे हमारा फेस चबी बिल्कुल नहीं लगेगा। सो इसी में से मैंने एक ब्लश का शेड ले लिया और इस तरीके से लगा लिया, मुझे ऐसे लगाना बहुत पसंद है। एनेस्थीशिया का यहाँ पर मैं आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ गाइस। अगर आप ये वाला ले रहे हो यार, ये 2400 समथिंग का है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी ये आपका करीबन 2-3 साल तो कहीं नहीं जाने से रहा, और ये बहुत मज़ेदार है। इसके बाद जो हमारी जो ब्राउज है वो सेट होते हैं, वो इतनी प्यारी लगती है ना, बहुत सुंदर लगती है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ गाइस। ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ आपको वही यूज़ करने हैं, आपके पास जो प्रोडक्ट्स आप उनसे भी अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने क्रीज एरिया पे लगा लिया है एक लाइट ब्राउन शेड, देन मैंने डेप्थ देने के लिए एक डार्क सा शेड ले लिया है ब्राउन का ही, और उससे मैं इस तरीके से अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। मेरा जो सूट है वो ब्लैक कलर का है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इतना प्रीटी सा सूट है ये, और इसमें ना कुछ फ्लावर्स का डिज़ाइन हो रखा है। तो मैंने आई मेकअप बहुत ही बेसिक टाइप में रखा है, जो कि मैं बाद में भी ना अगर कुछ और ड्रेस चेंज करूँ तो उसके साथ भी काफ़ी सुंदर लगे। ग्लिटरी गोल्डन कलर का मैंने यहाँ पे आईलिड पे इस तरीके से शेड लगा लिया, और यहाँ पे मैं लॉरियल इनफॉलिएबल का लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये आलिया का शेड है, मतलब वर्थ इट शेड है, और
या ये मैंने इस तरीके से अपने लिप्स पे लगा लिया, तो ये बहुत ही अच्छा सा शेड है। मतलब आपको अगर न्यूडिश पीचिश टोन में चाहिए तो ये परफेक्ट रहेगा। इसके बाद गाइस अमेज़ोन से मैंने ये मैग्नेटिक लैशेस ली थी, भाई ये बहुत अमेजिंग है, ये मतलब हर एक लड़की के किट में होनी चाहिए, तो ये ज़रूर ले लेना अगर आपको मेकअप करना पसंद है और आपको प्रोफेशनल लेवल मेकअप करना पसंद है, तो ये चीज़ तो आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। तो इस तरीके से ना लाइनर की तरह आपको लाइन क्रिएट करनी है। इसमें लाइनर आता है, देखो जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, तो अलग से मुझे लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो मैग्नेटिक लैशेज़ है वो इस पर आप चिपका लो, वो ईज़िली लग जाए और इतना परफेक्ट आपका मेकअप जाएगा ना, मतलब लैशेस लगाने के बाद तो एक बहुत ही सुंदर सा लुक आता ही है। और इस वाले जो ये मेरे पास आई लैशेज़ हैं, इनकी खास बात है इसमें हर तरह की, छोटी से हाई वॉल्यूम से लेके हर तरह की इसमें लैशेस है, तो ये डेफिनेटली गर्ल्स आप ले लेना। इसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन का कोलोसल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ हल्का हल्का, और इसके बाद सिवाना पैलेट में से ही मैंने हाईलाइटर पिक कर लिया है और एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया, और फिर उसके बाद ना सब चीज़ें अच्छे से ब्लेंड आउट कर ली। लिपस्टिक का मैं हल्का सा एक और अपने लिप्स पे स्वॉच दे रही हूँ कि बिल्कुल जो डिज़ायर मेरा कलर है ना वो आ जाए। और गाइस ये जो लुक है ना ये बहुत ही ब्यूटीफुल टर्नआउट हुआ है। इसके बाद स्विस ब्यूटी का मैंने लिया है यहाँ पे सेटिंग स्प्रे, जिससे मेरा मेकअप रहेगा लॉन्ग लास्टिंग और गर्मा नाइट पर मैं रहूँगी बिल्कुल मतलब इस चीज़ से बिल्कुल दूर कि मुझे पसीना ना आए और ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप जाए। ब्लैक कलर की बिंदी लगाई, यहाँ पर आप लाइनर से भी ये क्रिएट कर सकते हो जो गरबे के लिए लगाए जाते हैं इस तरीके से, तो मैंने चिन पे भी अपनी बिंदी की हेल्प से ही लगाया था। आईज पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया था एंड ओ माय गॉड मेरे झुमका देखो कितने ज़्यादा सुंदर हैं। तो मैंने लोकल मार्केट से आई थिंक 150-200 के लिए थे, मीशो पे अगर मिले तो मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइज मुझे पता है आप लोग पूछोगे दी आपका सूट आपने कहाँ से लिया है, तो भाई ये मैंने अपने पास की मार्केट से लिया था और ये मैंने स्टिच कराया है। तो या दिस इज़ माई फाइनल लुक, बालों का हल्का सा मैसी बन मैंने बना लिया था और मैं लग रही हूँ कुछ इस तरीके से, सुंदर लग रही हूँ ना सुंदर। तो या गाइज मैं अब पहनने वाली हूँ बैंगल्स। बैंगल्स के लिए भी मैंने यहाँ पे सिल्वर अपनी ज्वेलरी उठाई है, तो ये बैंगल्स जो है ये काफ़ी सुंदर से लग रहे थे, मेरे पास काफ़ी सालों से रखे हुए थे और ये मुझे इस मतलब ड्रेस के साथ ना बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। आप बताओ कैसा लग रहा है मेरा पूरा मेकअप लुक, जो दुपट्टा है इस पे पूरे पे सीप लगी हुई है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा था मेरे गरबा नाइट के लिए। एंड या दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक। रियली होप करती हूँ आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन मेरे इंस्टाग्राम पे, इट्स नेहा लव्स फैशन, ठीक है, जाके वहाँ पे भी चेकआउट करना, प्यारा कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। एंड या मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।